Hey, Shazen. बड़े दिनों बाद फोन किया, कहीं कोई पार्टी वार्टी तो नहीं दे रहा? Hey bro, नहीं यार, पार्टी वार्टी तो सब मैं भूल ही गया। यार लिसन, तुझसे काम था, इम्पोर्टेंट, इसलिए तुझे कॉल किया। बोलना, क्या टेंशन है? यार वो याद है, साल दो साल पहले तुझे कुछ 4-5 लाख रुपए दिए थे, बस वही वापस चाहिए। हैरत है, शाज़ेन को पैसों की जरूरत पड़ गई। पैसे दिए कब थे? I don't know bro, साल दो साल पहले maybe। प्रॉब्लम है यार, इसलिए मांग रहा हूँ, वरना तू जानता है यार मुझे पैसों वैसों की टेंशन थोड़ी होती है। अच्छा ओके, नो इश्यूज, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ। थैंक्स मैन, थैंक्स यार, अप्रिशिएट इट यार, मैं वेट करूंगा। ओके बाय ब्रो, बाय। ये लड़की बहुत चालाक है मनाहिल, शाज़ेन की सजा को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उल्टा खुद भूखा रह के हम सबको परेशान करती है। मामा आपको क्या लगता है, मुझे ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, सब ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं। सब्र और यकीन के नाम पे वो हमारा सब्र आजमा रही है, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इब्राहिम भाई अगर तुम्हें कबूल कर भी लेते हैं और तुम उस घर चली भी गई तो तुम वहां रहोगी कैसे, क्योंकि ये लड़की तो तुम्हें वहां रहने ही नहीं देगी। I hope ऐसा ना हो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सच बताऊं तो मेरा कंसर्न सिर्फ शाज़ेन है इस पूरी सिचुएशन में, और कोई भी नहीं। एक बार वो सेटल डाउन हो जाए, दूर चले जाएंगे हम यहां से।